दूसरा T20 था वो भारत हार गया है। ये मारते हैं तो लगता है इन्होंने मारा है। आज बॉलें कितनी खोई होंगी। हाँ मतलब मारते तो लगता है मारा मार है रहे ये। हैं मतलब है। एकदम क्रिकेट की सुपर पावर, बिलियनेयर, धमाका। कितना आपकी डेप्थ है, कितना आपके पास पैसा है, कितने आपके पास प्लेयर है, नंबर वन है, नंबर टू है, नंबर थ्री है, नंबर टेन है, पूरी दुनिया आपके पास है। रख रख के मारा बच्चों ने आज आपको। और वर्ल्ड कप जीतोगे तुम ना, आपकी बैटिंग, आपकी ठस्सी बैटिंग है, आपकी ठस्सी बॉलिंग है, ऐसे वर्ल्ड कप जीत। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मिस्टर क्रिएटिव पर खुश आमदीद। मिस्टर क्रिएटिव पर आपको क्रिकेट के मुतालिक दिलचस्प तबसरे और बातें देखने को मिलेंगी। दोस्तों, वीडियो की शुरू में आपने हाइलाइट्स देखी कि इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के मामले में दूसरा T20 मैच खेला गया जो कि इंडिया ने हारा। इंडिया का ये पहला टूर है वर्ल्ड कप के बाद जो बैरून मुल्क खेल रहा है। दोस्तों, इंडिया की हार पर इंडियन मीडिया क्या कहती है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि इंडियन रिएक्शन क्या है मीडिया का। वीडियो पर जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, दोस्तों जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। सुपर पावर, बिलियनेयर, धमाका। कितना आपकी डेप्थ है, कितना आपके पास पैसा है, कितने आपके पास प्लेयर है, नंबर वन है, नंबर टू है, नंबर थ्री है, नंबर टेन है, पूरी दुनिया आपके पास है। रख रख के मारा बच्चों ने आज आपको। और वन साइडेड मैच साउथ अफ्रीका जीती। बीच में आपने थोड़ी बहुत अपनी फॉल्स होप्स आपकी जागी, मुकेश कुमार ने, मिलर ने छक्का मारा फिर आउट करा, कुलदीप ने विकेट ली, सिराज ने विकेट ली, लेकिन फोड़ फाड़ के अलग कर दिया। लास्ट ओवर तक भी मैच नहीं गया। हमेशा की तरह ज्यादतियां आपने करी, हमेशा की तरह। क्या आज रवि बिश्नोई का यह मैच खेलना नहीं बनता था? अब देखिए, मैं दो मैच से कोई बुरा या अच्छा नहीं हो जाता, लेकिन मैं यही देखना चाहता था मेरी जान के इंडिया से बाहर निकलोगे, जहां पे तुम्हारा कोच बोलता है कि वर्ल्ड कप फाइनल इसलिए हारे बेटा क्योंकि ना पिच में टर्न नहीं मिला जी। सपोजिटली पैराफ्रेस कर रहा हूं, बोला तो यही है ना कि पिच की वजह से हार गए जी हम तो फाइनल। पांच पिचेस को तुम्हारा आईसीसी ने जो इंडिया में मैच हुए हैं उनको दिया बिलो एवरेज। कौन से मैच थे जी वो जो सारी बड़ी टीमों से खेले हुआ? और एक प्रेशर मैच पाकिस्तान वाला, पाकिस्तान वाला मैच सब पार पिच, ऑस्ट्रेलिया फाइनल सब पार पिच, साउथ अफ्रीका वाला मैच एवरेज पिच, इंग्लैंड वाला मैच एवरेज पिच। जो जो ढंग की टीम थी तुमने वहां पे अपनी कारिस्तानी कारीगरी करके दिखा रखी थी ना, मतलब बाहर आयो तुम्हारी असलियत सामने आ रही है। मैं तो पहले मैच में भी देखो कुछ जाहिल लोग हैं जो बोल रहे थे एशिया कप में बारिश होगी 266 वाले मैच में, बोला था बेवकूफों को तो मैच हम ही जीतते। तब तो रेन सेव पाकिस्तान। जब से साउथ अफ्रीका आयो जो पहला मैच नहीं हुआ वहीं पे मैंने स्पोर्ट्स सारी में बैठ के मैं ये खेला जर्नलिस्ट हूं जिसने बोला था रेन सेव्ड इंडिया। यहां पे मारो ना रन यार, यहां पे बनाओ रन। और तुम्हारी बोलिंग एक मतलब कि एक पता नहीं ऐसा हमें किसी ने बद्दुआ दे रखी है कि क्या है। यूएई वाला वर्ल्ड कप देख लो 152 फॉर नो लॉस पाकिस्तान जीतती है, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप देख लो 172 फॉर नो लॉस इंग्लैंड जीतती, एक विकेट तुमसे नहीं ली जाती। और क्यों नहीं ली जाती जी, जो तुम्हारा बेस्ट बॉलर है, जो तुम्हारा नंबर वन T20 बॉलर है, अभी यही बात कर रहे थे कि भाई नंबर वन T20 बॉलर जो है तुम्हारा रवि बिश्नोई, उस जो प्लेयर ऑफ द सीरीज बन के आ रहा है उसको खिलाए नहीं। अच्छा कौन तुम्हारी जान बचाता था वैसे बाय द वे भाई? अभी जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हुआ है, शुरू में मारते थे ऑस्ट्रेलियन तुम्हें, दोनों ओपनर मारते थे, आता था रवि बिश्नोई बोल्ड मारता था, कभी मैथ्यू शॉट को बोल्ड मार रहा है, कभी दूसरे वाले को बोल्ड मार रहा है, विकेट ले रहा है, वहां से रिदम तोड़ता था। आज वो था ही नहीं, इन्होंने तुम्हें तोड़ दिया। जहन्नम की लानत में बोलता 13.5 ओवर में 150। वो भारत हार गया है, 15 ओवर का मुकाबला था और साउथ अफ्रीका ने इसको मतलब कोई तकलीफ नहीं आई, थोड़े विकेट जरूर गिरे बट आई थिंक ये इजिली चेस कर दिया उन्होंने स्टार्ट में ही, जिस हिसाब से रीजा हेंड्रिक्स और जो सलामी बल्लेबाज थे उनके साथ में बैट्स की उन्होंने मतलब कर दिया था, फिर माकरम ने आके मतलब वो बीच में एक ये हुआ था जब क्लासेन आउट हुए थे तो एक छोटी सी एक एक्साइटमेंट रे ऑफ होप इंडिया के लिए दिखी थी कि इंडिया वहां से मैच पलट देगा, पर साउथ अफ्रीका ने ये मैच 7 बॉले रहते और 5 विकेट से मैच जीत लिया। बारिश ने थोड़ा खराब कर दिया। हां वो आई थिंक जैसे ही 15 ओवर में 152 आया ना उस वक्त लग रहा था कि ये गेम साउथ अफ्रीका की होगी, बिकॉज़ एक 15 ओवर और रात को बल्कि क्या हुआ है कि ठंड भी ज्यादा हो गई, द मोमेंट ठंड ज्यादा हो गई उस तो पहले ओवर में आपने देख लिया था गीला बॉल बहुत और गीला हो गया, तो ये गेम उन्हीं का था। ये है कि हाँ 20 ओवर का गेम होता, 190 के करीब टारगेट होता, थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट। आई थिंक साउथ अफ्रीका को ना आपको T20 साइड देखना होगा, ये साइड T20 में अब इनकी दिक्कत आती है
जब ये वर्ल्ड कप जाते हैं सेमीफाइनल भाई, आइडियली ये मैन टू मैन अगर आप इस टीम को ऑस्ट्रेलिया के सामने रख दो, इनकी बैटिंग और उनकी इनकी बैटिंग ज्यादा खतरनाक है। इट्स जस्ट लाइक ऑस्ट्रेलिया के भी कंप्लीट, हां कंप्लीट यूनिट जो और आएंगे इसमें यार, ये मारते हैं तो लगता है इन्होंने मारा है। आज बॉलिंग कितनी खोई होंगी, हां मतलब मारते तो लगता है मारा मार रहे हैं, मतलब एकदम मारते हैं, ये बेरहमी से मारते हैं। और इनकी वही दिक्कत है कि ये जाएंगे टी20 वर्ल्ड कप अगले साल वर्ल्ड फेवरेट्स, बट अगेन ये जीत नहीं पाएंगे, मोस्टली जीत नहीं पाएंगे। टीम तो जबरदस्त है पर सर इस तरह के मैचेस में जब 150 चेस करने हो और 8 ओवर में या 5 ओवर में 75 बन जाते हैं तो रहता है कुछ जैसे 190 हो। हां जडेजा ने एक ओवर अच्छा डाल दिया 5 रन में, तब भी टीम में 43 हो गए थे, 4 पे 51 वापसी होती नहीं है इस तरह के मैचेस में ना। आई थिंक वो जो अर्शदीप ने दूसरा, देखो सिराज को पहले ओवर में रन पड़े 14 और रन लगे नहीं, उनको जो के चौके हुए सही बात, थर्ड स्लिप से कैच जा रहा है, कोई कहीं से जा रहा है, अर्शदीप ने जो अगले ओवर में रन खा 24 रन, वो फिर वो मैच खत्म हो गया था। अगर आपने ऊपर से एक आउट कर दिया होता, दो आउट कर दिए होते, आपने यू नो तीन ओवर में आपके 22-23 रन में तीन ओवर डाल दिए होते, थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। यहां पे तो यार दो में अगर आप 38 हो तो मैच कहां पे हो आप, यू आर नॉट देयर इन द गेम ना। सही बात है। और देश की दो विकेटें हैं, एक कुलदीप की है, एक सिराज की है, बट ये है कि उन्होंने फैटी बहुत जबरदस्त चलाई, बहुत तेज मारा उन्होंने, क्लासन आउट हो गए, उन्होंने छक्का मारा एक, क्या आप देखिए उसने माकरम ने मारा एक, ये फिले हुआ है ना जो आखिरी मार दिया स्टेडियम के बाहर, एक मिलर बैट्समैन की हम बहुत बात करते हैं कौन होगा वर्ल्ड कप टीम में कौन नहीं होगा, अर्शदीप सिंह आप लोग देख रहे हैं जिस तरीके का सीरियस कंसर्न है, देखिए आपका सब फिट रहते हैं, बुमराह मोहम्मद सिराज दो फास्ट बॉलर हैं जो शोर शॉट चले जाएंगे, आप जगह रहते हैं सिर्फ दो ओवर की, क्या आप वही पुराने फॉर्मूला पे जाते हो कि आ गया वर्ल्ड कप मोहम्मद शमी को वापस ले आओ, मोहम्मद शमी आईपीएल में गुजरात के लीडिंग बॉलर भी है, बॉलर है भाई, वो आउट तो करते ही है। सही बात। अब एक और ऑप्शन आपके पास आ जाती है मुकेश कुमार की, फिर आपके पास एक ऑप्शन है दीपक चहर जो नीचे बैटिंग भी कर लेंगे, दीपक चहर को बैटिंग का एडवांटेज, वो यूटिलिटी, वो एक चौथा जो फास्ट बॉलर वाला स्लॉट है ना, मुझे लगता है कि वो दीपक चहर लेके 34 चेज हो गया तो बोल देता हूं कि भाई भूल जाओ अफ्रीका को एडवांटेज है, और भाई 28 रन विकेट्स पे मिलती नहीं है भाई, ये जीता है कि वर्ल्ड कप, ऐसे वर्ल्ड कप जीतोगे तुम ना, आपकी बैटिंग, आपकी ठस्सी बैटिंग है, आपकी ठस्सी बॉलिंग है, ऐसे वर्ल्ड कप जीतोगे, ये आपकी टीम, ये विनिंग टीम है, क्या कर रहा रविंद्र जडेजा, क्या बोलेंगे जट्टू की भाई, क्या ये आपको साउथ अफ्रीका ने एक तरफा धो दिया है, साउथ अफ्रीका ने भाई आपको एक तरफा धो दिया है। अब भाई विकटे शुरुआत में विकटे कौन निकालेगा, कौन सी सिराज ने भाई अच्छी बॉलिंग कर दी, कौन सी अच्छी बॉलिंग कर दी, आपको विकटे चाहिए होती है, विकटे कौन निकाल के देगा, थर्ड क्लास बॉलिंग भाई, थर्ड क्लास कप्तानी भाई, शुरुआत की पहली बॉल पे आपने स्लिप नहीं लगा रखी थी, क्यों भाई, क्या विकेट लेकर आप जीत जाओगे, ब्रो कंडीशंस भाई, कंडीशंस का कसूर रहा है, कंडीशंस हमारे खिलाफ थी, ग्राउंड पूरा गीला था, बॉल गीली हो रही थी भाई।